आपको समझना पड़ेगा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो ताजा धमाका है वो कितना खतरनाक है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की प्रमुख हैं माधवी बुच, उनके पति हैं धवल बुच। रिपोर्ट ये आरोप लगा रही है कि माधवी और धवल दोनों के वित्तीय इंटरेस्ट थे, वित्तीय हित थे ऑफशोर कंपनी में, यानी कि विदेशी जमीन में अडानी की एक ऐसी कंपनी में जिसके जरिए भारतीय शेयर बाजार में घोटाला करने का आरोप लगाया गया। यह है सेबी की प्रमुख। सेबी क्या है? शेयर बाजार में जो भी कुछ होता है, शेयर बाजार में अनुशासन लाना, यह सेबी का काम है। सेबी क्या है? सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, सेबी प्रतिभूति बाजार के लिए भारत का नियामक निकाय है। यह पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, दलालों, सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य प्रतिभागियों के कामकाज की देखरेख और विनियमन करता है। और अब सेबी की प्रमुख पर यह आरोप लगा है कि वो और उनके पति अडानी की एक ऑफशोर कंपनी में उनकी भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात, यही सेबी अडानी की कंपनियों की जांच कर रहा था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अडानी की कंपनी में, विदेशी कंपनी में आपके वित्तीय हित हैं, तो यह आपको किसने अधिकार दिया है कि आप अडानी कंपनी से जुड़े सो कॉल्ड घोटाले का जांच करें? यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए था क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था? आज आपके सामने यह खबर रखने से पहले मैं कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। अडानी के प्लेन में चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौतम अडानी का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी, और याद कीजिए दोस्तों, इस तस्वीर को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया गया था। इस तस्वीर में देखिए निर्मला सीतारमन के साथ सेबी की प्रमुख माधवी बुच। यह खबर इतनी बड़ी है कि कल गोदी मीडिया को भी इस पर ब्रेकिंग न्यूज करनी पड़ी थी। कैसे ब्रेकिंग न्यूज की थी कुछ देर बाद, मगर अब मैं सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं कि यह पूरा मुद्दा क्या है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, सेबी चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच बताया गया कनेक्शन। बड़ा सवाल, अगर यह कनेक्शन है तो सेबी अडानी ग्रुप के घोटालों की जांच कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्यों कुछ नहीं कहा? रिपोर्ट क्या कहती है? हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसिल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच की हिस्सेदारी थी। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट यह कहती है कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने रात गहराते ही ताजा खुलासा तो कर दिया, लेकिन इस बार इसने सीधा भारत के शेयर बाजार नियामक यानी कि सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर वार कर दिया है। हिंडनबर्ग ने विसिल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर आरोप लगाया है कि माधवी बुच और इनके पति धवल बुच की गौतम अडानी की उसी अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी रही है जिसका इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग कांड में हुआ था। आपके स्क्रीन पर ये हैं माधवी बुच और ये है धवल बुच, उनके पति। अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों, जैसे ही ये खबर ब्रेक होती है, आज तक और जी न्यूज में इसमें ब्रेकिंग न्यूज की, दोनों चैनल्स का एक एक अंश। सबसे पहले सुनिए आज तक क्या कह रहा था। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि कथित अडानी घोटाले से सेबी चेयरपर्सन और उनके पति का कनेक्शन है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, जी न्यूज क्या कह रहा था। एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है, सेबी की जांच पर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खबर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई है और हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक बड़ा आरोप लगाया है, सेबी की जांच पर भी हिंडनबर्ग ने सवाल उठाए हैं। दोनों ने ब्रेकिंग न्यूज दे दी, इतनी बड़ी खबर, सवाल उठ रहा है उस संस्था पर जिसकी जिम्मेदारी है कि शेयर बाजार में पूरी पारदर्शिता हो।
आज उसके प्रमुख पर सवाल उठ रहा है, यानी कि सवाल वित्त मंत्रालय पर है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार पर। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पर कोई डिबेट नहीं होने वाला है दोस्तों। राहुल गांधी यह मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं, मगर याद कीजिएगा जब उन्होंने अपना पहला भाषण गौतम अडानी पर दिया था तो उनकी स्पीच को 18 से 19 जगह से नोच दिया गया था, हटा दिया गया था। आज यह सवाल उठ रहा है। माधवी बुश ने भी इस पर बयान दिया है, क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन्स पर होगा। मगर मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया अपनाई है, टीएमसी ने इस पर तल्ख प्रतिक्रिया अपनाई है और उद्धव सेना ने भी इस पर तल्ख प्रतिक्रिया अपनाई है। कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन्स पर। सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब पता चला कि संसद की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया था। संसद की बैठक 12 अगस्त तक निर्धारित थी लेकिन उसे 9 अगस्त को ही स्थगित कर दिया गया। एक अन्य पोस्ट में रमेश ने सेबी प्रमुख पर निशाना साधा और रोमन कवि जुवेनल के व्यंग से प्रेरित होकर लैटिन मुहावरे क्विस कस्टोडिएट इप्सोस कस्टोडिस का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूछा कि पहरेदार की रखवाली कौन करेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां जिक्र किया जा रहा है राहुल गांधी के 2019 को दिए गए नारे पर कि चौकीदार ही चोर है। सवाल यह किया जा रहा है कि संसद की कार्रवाई खत्म होने वाली थी 12 अगस्त को और उससे पहले ही जगदीप धनखड़ और ओम बिरला ने कार्रवाई को, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। यहां पर जानकार यह सवाल उठा रहे थे कि क्या यह कार्रवाई इसलिए समय से पहले खत्म कर दी गई ताकि इस रिपोर्ट आने के बाद जो संसद में बवाल होता सरकार उन जवाबों को देने से बचना चाहती थी। क्या यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया ताकि इस पर बहस ना हो, मामला ना खिंचे। कार्रवाई खत्म होनी थी 12 अगस्त को। अगर संसद की कार्रवाई 12 अगस्त को होती तो संसद में बवाल होता, मगर वक्त से पहले ही कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। पूरे खेला को समझिए दोस्तों। टीएमसी का बयान भी आपके स्क्रीन्स पर आया है। आपके स्क्रीन्स पर यह है महुआ मोइत्रा। याद कीजिएगा यह वही महुआ मोइत्रा हैं जिनकी सांसदी छीन ली गई थी सिर्फ इसलिए कि ये गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। आपके स्क्रीन्स पर यह है संजय सिंह। संजय सिंह को तो जेल में जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर क्या कह रही है महुआ मोइत्रा। तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट में उद्योगपति गौतम अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे अडानी स्टाइल बताते हुए आरोप लगाया कि सेबी चेयरमैन भी उनके समूह में निवेशक हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म अपने चरम पर है। महुआ ने केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को टैग कर सवाल किया कि क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद पोका कानून और पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। दोस्तों सेबी आता है वित्त मंत्रालय में। आज की तारीख में ईडी सीबीआई लगातार छोटे छोटे मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधता है। याद कीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी केस करता है, उस मुद्दे पर बेल मिल जाती है मगर फिर सीबीआई फंसा देता है। अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में है। मनीष सिसोदिया को ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बेल मिल गई है, जो यह बतलाता है कि इन मामलों की क्या विश्वसनीयता है। बहरहाल माधवी बुश ने अपने बचाव में एक बयान दिया है, मैं चाहूंगा कि आप उसके एक एक शब्द पर गौर करें। आज जब अपने मंच पर मैं सरल शब्दों में आपको ये पूरा मुद्दा समझा रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस मुद्दे पर सेबी प्रमुख का क्या पक्ष है वो भी मैं आपके सामने रखूं। माधवी बुश ने क्या बयान दिया है आपके स्क्रीन्स पर। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश और उनके पति धवल ने हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ 10 अगस्त 2024 के हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के संदर्भ में हम ये बताना चाहेंगे कि हम रिपोर्ट में लगाए गए निराधार आरोपों और आक्षेपों का दृढ़ता से खंडन करते हैं। इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दंपत्ति ने कहा
कि हमारा जीवन और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक सभी खुलासे पहले ही सेबी को सौंप दिए गए थे। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेज का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। माधवी और धवल ने कहा कि जांच के दौरान सेबी के वो दस्तावेज भी दिए गए हैं जो उस अवधि से संबंधित हैं जब हम सेबी से नहीं जुड़े थे। इसके अलावा पूर्ण पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान भी जारी करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसके खिलाफ सेबी ने कार्रवाई की है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, उसने चरित्र हनन का प्रस्ताव करने का विकल्प खुला रखा है। मगर माधवी जी और धवल जी से एक बहुत ही सीधा और सरल सवाल, अगर आपके अडानी ग्रुप में वित्तीय इंटरेस्ट थे, वित्तीय हित थे, अगर उनकी ऑफशोर कंपनियों में आपकी पार्टनरशिप थी, तो आप अडानी से जुड़े मामले की जांच किस हैसियत से कर रहे थे? क्या वित्त मंत्रालय को नहीं पता था? क्या निर्मला सीतारमण को नहीं पता था? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता था? दोस्तों, ये वो दस्तावेज है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने पेश किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से ऑफशोर कंपनी में माधवी और उनके पति के वित्तीय इंटरेस्ट हैं। सबसे दिलचस्प बात, ये जो वित्तीय इंटरेस्ट हैं वो $10 मिलियन का है। 10 मिलियन रुपए नहीं दोस्तों, $10 मिलियन। खतरनाक है अपने आप में। $10 मिलियन का मतलब आप समझते हैं, रुपए में इसकी क्या कीमत है? रुपए में इसकी कीमत है 83,95,10,500 रुपए। 83 करोड़ रुपए। और यह है उनकी हिस्सेदारी विदेशी जमीन में एक ऑफशोर कंपनी में, जिस पर आरोप लगा है भारतीय शेयर बाजार में घपले का। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, यह अपने आप में जांच का विषय है। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी जांच करेगी या फिर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाएगी? दोस्तों, इस वक्त मेरे मंच पर आप में से जो लोग इस मामले को देख रहे हैं, मैं सरल शब्दों में आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल वो चार गंभीर आरोप क्या हैं जो सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लग रहे हैं, उनके पति धवल बुच पर लग रहे हैं। सरल शब्दों में आपको बताऊंगा चार बड़े आरोप, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। और ये चार बड़े आरोप आपके पूरे स्क्रीन पर आएंगे। पहला बड़ा आरोप, अडानी के विदेशी फंड से कनेक्शन। मनी कंट्रोल कहता है, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट का दावा है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस के फंड में स्टेक लिया है, यानी वित्तीय हित लिया है। ये दोनों टैक्स हेवन देश हैं। दिलचस्प यह है कि इन्हीं दोनों फंड का इस्तेमाल गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ने भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के होल टाइम मेंबर रहते हुए बुच ने अपने प्राइवेट अकाउंट से यूनिट रिडीम करने, यानी यूनिट बेचने के लिए मेल लिखा था। और यह वो मेल है दोस्तों, यानी कि माधवी बुच ने सेबी की प्रमुख रहते हुए ये मेल लिखा। क्या यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है आपके सामने? अब दूसरा बड़ा आरोप, वित्तीय कंफ्यूजन का यह दूसरा बड़ा आरोप है जो मनी कंट्रोल बता रहा है। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवी बुच सिंगापुर की ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स की 100% मालकिन थी, लेकिन नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने इस फर्म का मालिकाना हक अपने पति को सौंप दिया। इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने की पूरी छूट थी, इसलिए इस बात का पता नहीं चल पाया कि इस कंपनी में उनकी क्या कमाई होती थी। हिंडनबर्ग का कहना है कि चेयरपर्सन माधवी बुच की ईमानदारी को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि इस कंपनी ने उनकी कितनी कमाई होती थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि माधवी बुच प्राइवेट ईमेल के जरिए अपने पति के नाम पर ऑफशोर फंड को मैनेज करती थी। क्या सेबी की चेयरपर्सन ऐसा कर सकती हैं? यह सीधा और सरल सवाल है। तीसरा बड़ा आरोप आपके स्क्रीन पर, यहां पर आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन के लिए काम कर रहे थे धवल बुच और
सेबी का चेयरपर्सन बनने के बाद ब्लैकस्टोन कंपनी को फायदा होता है। फायदा कैसे होता है आपके स्क्रीन पर। सेबी में बुच के कार्यकाल के दौरान उनके पति धवल बुच को ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया था और ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की एक बड़ी इन्वेस्टर है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी REIT। अब हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाया? हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया है कि बुच की लीडरशिप में सेबी ने कई ऐसे रेगुलेटरी बदलावों को पास किया जिससे REITs को फायदा हुआ। इन बदलावों की टाइमिंग और नेचर को ब्लैकस्टोन को होने वाले फायदों से जोड़कर देखें तो हितों का टकराव साफ तौर पर नजर आता है। चौथा आरोप, कंसल्टिंग बिजनेस में उलझन। तीसरे आरोप में मैंने आपको क्या बताया? बहुत ही सरल शब्दों में, उनके पति धवल बुच काम करते हैं कंपनी जिसका नाम है ब्लैकस्टोन। सेबी REITs में बदलाव लाता है और उसका किसको फायदा होता है? ब्लैकस्टोन। इसीलिए यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों में टकराव बताया जा रहा है। अब चौथा आरोप, जैसे मैंने आपको बताया, कंसल्टिंग बिजनेस में उलझन। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माधवीपुरी बुच एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% हिस्सेदारी रखती हैं। इस कंपनी में उनके पति डायरेक्टर हैं। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक फिस्कल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2022 में इस कंपनी को कंसल्टिंग से 1.98 करोड़ की कमाई हुई थी। यह माधवीपुरी बुच की सेबी की होल टाइम मेंबर की सैलरी का 4.4 गुना था। आज तक इस कंपनी में 99% हिस्सेदारी माधवी बुच की है और इस कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके पति। तो देखा आपने किस तरह से हितों का टकराव हो रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, गोदी मीडिया ने अभी से उनका बचाव शुरू कर दिया है। यह जी बिजनेस में काम करने वाला कोई पत्रकार है, वो ये कह रहा है कि विदेशी जमीन में फंड्स में निवेश करना और अपने उस फंड को, अपने शेयर को, अपने पति को ट्रांसफर करना गुनाह नहीं है। अरे नासमझ व्यक्ति, बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर जिस कंपनी की आप जांच कर रहे हैं उसी कंपनी में आपके वित्तीय हित होना, यह साफ तौर पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसमें दिक्कत दिखाई देती है। छोटे छोटे मुद्दों पर आप ईडी की रेड मारते हैं, इनकम टैक्स की रेड मारते हैं, सीबीआई की रेड मारते हैं, बगैर प्रमाण के आप अपने विपक्ष को जेल में डाल देते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया ही सजा है, कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं होती। मगर 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जेल में थे, उनके 17 महीने कौन लौटाएगा? बड़ा प्रश्न ये कि जिस विपक्ष पर आप इस तरह से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हैं, अपने परम मित्रों गौतम अडानी की आप जांच तक नहीं करना चाहते हैं। क्या यह अमृतकाल है? क्या यह संगोल युग है? यह सवाल तो किया जाएगा ना, क्योंकि यह रामराज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रामराज में पारदर्शिता का तकाजा था और यहां पारदर्शिता पूरी तरह से गायब है। इसीलिए आज इस मंच पर मैं सवाल उठा रहा हूं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गौतम अडानी को और माधवी बुच को कि वो मेरे मंच पर आएं और अपनी बात रखें, मगर तैयार रहें उन सवालों के लिए जो मेरे पास हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।